सारंगढ़ में एक झोला छाप डॉक्टर ने 35 साल के एक युवक की जान ले ली। मृतक की पत्नी ने बताया कि उसके पति महेश कुरके की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें सारंगढ़ के एक निजी क्लिनिक में डॉक्टर युवराज पटेल के यहां लेकर गए थे, जहां डॉक्टर ने उन्हें दवा और इंजेक्शन दिया। उसके बाद तबीयत अचानक बिगड़ गई। दवा और इंजेक्शन के कुछ देर बाद मुंह से झाग आना शुरू हो गया। मुंह से झाग आते देख मृतक की पत्नी घबरा गई। साथ में झोला छाप डॉक्टर भी मृतक की पत्नी को कहने लगा कि मैं इनका इलाज नहीं कर पाऊंगा, और खुद एक रिक्शा बुला के मृतक और उसकी पत्नी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाने को कहा। और जैसे ही मृतक और उसकी पत्नी शासकीय अस्पताल जाने को तैयार हुए तो महेश ने दम तोड़ दिया, लेकिन फिर भी मृतक की पत्नी अपने पति को अस्पताल लेकर गई, जहां शासकीय डॉक्टर ने इलाज से पहले ही मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्यवाही की जा रही है। पोस्टमार्टम जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे कुछ कह पाने की बात पुलिस कह रही है। इस घटना के बाद मृतक के क्षेत्र की बीडीसी प्रतिनिधि और मृतक के गाँव वालों ने झोला छाप डॉक्टर पर कठोर कार्यवाही करने की मांग की है। यही नहीं, सारंगढ़ के कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि कुलदीप सिंह आहूजा ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए संबंधित डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने पर सड़क में आकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। लखन दास भैया कहाँ रहते हैं? खमाड़ी। अच्छा, आपके यहाँ का कोई मृतक है? हाँ, मुझे सूचना मिला कि मतलब महेश राम का डेथ हो गया था, तो आकर के यहाँ पता किया तो सही में ख़त्म हो गया था। कैसे हुआ है भैया? कोई खर्चिया का कोई डॉक्टर है यहाँ? नहीं, वो उनके पत्नी से मैंने पूछा तो बताया कि हम लोग पटेल डॉक्टर के पास में इलाज करा रहे थे खर्चिया के करके, और इलाज उसका जो लड़का है, जो पटेल डॉक्टर है, उसका लड़का कर रहा था इलाज। क्या नाम है उस लड़के का? जानते हैं लड़के का नाम मेरे को मालूम नहीं है जी। हाँ, कहाँ पे है उसका क्लिनिक? क्लिनिक पता नहीं है, मेरे ख्याल से यहाँ सारंगढ़। अच्छा, वो इनका जो डेट है वो वहीं से हो गया था कि यहाँ हुआ है? यहाँ मतलब लगता है वहीं हो गया है, लाने से पहले हो लाने गया, रास्ते में ही हो गया, रास्ते में ही हो गया। और यहाँ के डॉक्टर का क्या कहना था? यहाँ का डॉक्टर का इनके कथनानुसार कि यहाँ वो डेड बॉडी मतलब पानी देते अपन क्लिनिक में जनप्रतिनिधि होने के नाते कैसे देखते हैं? ये जो क्लिनिक जो चला रहे हैं, जिसके द्वारा ये घटना घटी है, पहली बात तो इनको इंजेक्शन लगाने का पावर नहीं है, बिना लाइसेंस के, बिना किसी की परवाह किए। मैं ये कहना चाहता हूँ, इनको बहुत बड़ा संरक्षण मिल रहा है, तब ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं जी। किस तरह के इनको बिल्कुल कड़ी से कड़े सजा मिलने जी। इनको किसी के जान के साथ खेलना, वो भी 200 रुपये के लिए। मान लीजिए आप किसी को इंजेक्शन लगा रहे हो, 400 रुपये मिल जा रहा है आपको, आपको जानकारी नहीं क्यों इंजेक्शन लगाएंगे आप? आपको नहीं समझ आ रहे, आप जहाँ सरकारी अस्पताल है यहाँ पर वहाँ भेजें। और ये मेरे साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? सारंगढ़ विकासखंड में और भी ऐसे क्लिनिक संचालन सुनने में आए हैं मेरे को, ये सबको प्रतिबंधित होने चाहिए। जो अधिकारी इनको सही दे रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बिना सह के काम नहीं हो रहे यहाँ सारंगढ़ में। इससे पहले कई बार घटना घट चुकी है, क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा प्रशासन द्वारा? शासन प्रशासन मौन बैठा हुआ है, किसी जान चली जा रही है, दो बच्चे छोटे उसके जो आज जिसकी मृत्यु हुई है महेश कुरे। जब मैंने उसे चेक किया कारण क्या लग रहा है? कारण कल PM के बाद। और उसके परिजनों से आप लोग ने पूछताछ की, कहाँ इलाज करा रहे थे? उनका कहना था कि काफ़ी शराब पीता था, इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास बोतल कहीं लेके गए थे जी। अभी डॉक्टर कौन सा डॉक्टर के पास इलाज कर रहा है? ये महिला वो उसकी पत्नी के कहना है जी।